अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। ये 3D स्टूडियो मैक्स में कुछ एनिमेशन है, ये आप कैसे बहुत ही इजी तरीके से आप इस एनिमेशन को कैसे बना सकते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर आप गेम डिवेलपिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें करेक्टर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप करेक्टर बनाओगे और आप जो है यूनिटी, अनरियल इंजन, 3D स्टूडियो मैक्स और बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर में आप इसके करेक्टर को यूज़ कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए लोग आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक करेक्टर क्रिएटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें आप करेक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसके ये जब आप स्टार्टिंग में इसको पकड़ेंगे तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, एक बॉडी दे देगा। उस बॉडी पे आपने कपड़े अपनी मर्ज़ी से, जूते अपनी मर्ज़ी से, बाल अपनी मर्ज़ी के आप इसको लगा सकते हैं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये इसके सारा मुकम्मल इसमें आप करेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, इससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये 3D स्टूडियो मैक्स, माया, अनरियल इंजन, सिनेमा 4D, तो ये इन सब के लिए आप जो है इस सॉफ्टवेयर से सारे, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने इसमें एक्सपोर्ट करना है कोई मॉडल, तो ये ऊपर देखें कि ये माया, ठीक है, ये माया के लिए 3D स्टूडियो मैक्स, यूनिटी, उसके बाद अनरियल इंजन, मोशन ब्लेंडर, ब्लेंडर और सिनेमा 4D, इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका करेक्टर अगर जो आप चाहें तो एक ऑप्शन है, उसके थ्रू आप लूमियन में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर टेक्चर दोबारा से लगाना पड़ेगा। ये जो है iClone 7, इसमें आप कोई भी करेक्टर होता है तो उसको आप जो है एक मोशन दे सकते हैं। जैसे मैंने 3D स्टूडियो मैक्स में एक करेक्टर को ये देखें कि करेक्टर एक ख़ुद से ये कर रहा है, एक एनिमेशन दे रहा है, तो ये मैंने इसी सॉफ्टवेयर में बनाया है। ये सॉफ्टवेयर जैसे इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये जो है घोड़ा है, ये अपनी एनिमेशन दे रहा है और साथ में ये एक करेक्टर है, ये फुल एनिमेशन दे सकता है। तो इस पे भी आप करेक्टर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस iClone में भी करेक्टर, इसमें बहुत सारे करेक्टर्स पड़े होते हैं, आप इसको करेक्टर यूज़ भी कर सकते हैं और इसको परफॉर्म भी करवा सकते हैं। आप इससे क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसमें एनिमेशन है कि एनिमेशन आपने कैसे, जैसे ये अभी एनिमेट कर रहा है, तो अगर इससे आगे मैं इसको कोई एनिमेशन देना चाहता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करके मज़ीद इससे परफॉर्म करवा सकता हूँ। ये परफॉर्म वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इससे कुछ भी परफॉर्म करवा सकता हूँ, तो काफ़ी सारे, और इसको ख़ुद से भी एनिमेशन दे सकता हूँ मैं। यहाँ पे इस पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो लोग इसको जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि यूनिटी, अनरियल इंजन और जितने भी गेमिंग के लिए करेक्टर बनाए जाते हैं, तो वो बहुत ही ईज़ी तरीके से इसमें करेक्टर आप बना सकते हो और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो 3D स्टूडियो मैक्स के लिए। और इसमें देखें, ये मैंने यही करेक्टर मैंने एक्सपोर्ट किया है और जस्ट 3D स्टूडियो मैक्स में मैंने इंपोर्ट करके इसको प्ले किया है, तो इसकी पूरी की पूरी थ्रू एनिमेशन इस पर आ गई है। तो इसी तरह आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, इन दो सॉफ्टवेयर्स में एक करेक्टर क्रिएटर है और दूसरा जो है वो iClone है, तो ये दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। इनमें काफ़ी सारे आप इसके अगर कपड़े वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली इसके कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर इनमें जूते, कपड़े, ये पूरे के पूरा इसका यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको मिल जाता है कि अगर जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं इस पर, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो खुद खुद इसके जो है ये कपड़े चेंज हो जाएंगे। अगर पहले वाले आप डिलीट करना चाहें तो उनको सिलेक्ट करें और उनको जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो पहले वाले कपड़े इसके डिलीट हो जाएंगे। तो आप इसी तरह इसको करेक्टर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। गेम के लिए करेक्टर बनाएं तब आपकी मर्ज़ी, वैसे एनिमेशन के लिए बनाना चाहते हैं तब आपकी मर्ज़ी, जो आपकी मर्ज़ी वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी सॉफ्टवेयर में आप करेक्टर इजीली, बहुत इजी होता है,
जस्ट आपने यहाँ से सिंपल एक बॉडी सिलेक्ट करनी है। बॉडी सिलेक्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। जैसे मेरे पास यही बॉडी है, ये जो मैंने किया हुआ है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये खुद बहुत रिप्लेस हो जाएगी। तो रिप्लेस होने के बाद इसके जो है आप इसको मुकम्मल कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको जो लिंक है डाउनलोड का लिंक, ये भी पेड सॉफ्टवेयर है, ये फ्री में बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ पे ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ आई क्लोन भी पड़ा हुआ है और इसमें पैकेजेस भी हैं, 3D एक्सचेंज भी है और मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, जैसे 3D एक्सचेंज और ये काफ़ी सारे आई क्लोन और ये बहुत सारे जो हैं ये इनके पैकेजेस हैं। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो पहले इनको ट्रायल वर्जन में यूज़ कर लें। अगर ट्रायल वर्जन आपको पसंद आ जाता है तो इसको आप बाय कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।